नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर प्रियंका, आपकी मोटिवेशन कोच। और यहां हम बात कर रहे हैं आपकी अगस्त की टैरो फॉरकास्ट के बारे में कि कैसे रहने वाला है अगस्त मंथ आप सभी 12 राशियों के लिए। बहुत सारी राशियों के बारे में हम बात कर चुके हैं और अब टर्न है लियोज आपकी कि कैसा रहेगा अगस्त मंथ टैरो के मुताबिक आपके लिए। क्या कहते हैं आपके लव कार्ड्स, क्या कहते हैं आपके एंजल कार्ड्स, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। आपके लव रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, आपके बिजनेस फाइनेंस के बारे में बात करेंगे और साथ ही में आप, मैं आपको दूंगी एक वीडियो में एक खास उपाय जिसको करने से आपका जो टाइम है वो हो जाएगा बेटर अगर आप सामना कर रहे हैं बैड लक का। तो बात करते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में। लियोस कैसा रहेगा अगस्त मंथ में आपके काम के लिए। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड लियोस। अगस्त मंथ में यहाँ पर पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपकी कोई स्टक इनकम है, कहीं रुकी हुई थी कोई पैसा, तो वो भी आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन साथ में कार्ड्स ये कह रहे हैं कि बहुत लेज़ी आप फील कर रहे हैं, आप उठते हैं लेकिन काम करने का मन नहीं करता, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको अर्निंग्स करनी है तो आपको काम भी करना पड़ेगा और काम करने के लिए बनाना पड़ेगा आपको सिस्टम, जो कि आपका बिल्कुल भी नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बताता है कि सिस्टमैटिक वे में काम करने से ही पैसा आएगा। नई प्रॉपर्टी का सेलिब्रेशन बहुत सारे लोग यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ ही में कुछ लोग जूझते नज़र आ रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए। डोंट वरी, थोड़े से दूर हैं आप, बस और दो कदम दूर रह गई है आपकी पॉजिटिव एनर्जी आने में, आपका स्टेबल लाइफ आने में। एक लास्ट कड़ी मेहनत के बाद में जो रिजल्ट आपको मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। एंड यू नो, उसके बाद में जो भी होता है आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होता जाता है। जो लोग मिक्स एनर्जीज हैं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट कहता है कि ज़रूरत है, कह रहा है सेलिब्रेशन है, प्रॉपर्टी के लिए भी एक बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग दिखा रहा है, इंगेजमेंट दिखा रहा है, नई चीज़ों में आप इंगेज हो सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स में आप इंगेज हो सकते हैं, तो ओवरऑल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपके रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं, जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड है, सिंगल है, यहाँ पर रिलेशनशिप की बात करें तो कार्ड्स आ रहे हैं यूनियन के। एक साथ मिलकर अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा साबित होगा। अपने पार्टनर का साथ दीजिए, ट्रैवल कीजिए, रिलेशनशिप को बेटर बनाइए। ट्रैवलिंग का कार्ड आ रहा है, इन्वेस्टमेंट का कार्ड आ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस ऑफ दैट यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर रिलेशनशिप्स, यू हैव टू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योर पार्टनर। यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू इज वी आर ऑलवेज ट्रैवलिंग, वर्किंग, बट वी नेवर गेट टाइम टू स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली। सो यू हैव टू लिटिल बिट गिव टाइम टू योर फैमिली ऑल्सो, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर life with your partner. Here the time is going very good for August. If you'll talk about your relationship, तो बहुत अच्छा साबित होगा। This means कि card अच्छे हैं आपके relationship को लेके। आपकी health के बारे में बात कर लेते हैं Leo's। Health यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिख रही है आपकी। Health कह रही है कि command में आ जाइए, आप spokesperson बनना चाहते हैं, स्पीकर बनना चाहते हैं, एजुकेटर बनना चाहते हैं, टीचिंग का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। उसको करने से भी आपको बेनिफिट होगा और हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बताती हूँ उसका लॉजिक क्या है। जब आप काम में बिजी होते हैं ना तो आपको टेंशन नहीं होती और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है लियोस। सो हेल्थ अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल फोकस्ट बहुत अच्छा है। आपके लव प्रेडिक्शंस के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं तो कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप doubting on me, I know I have messed up relationship, it was my fault but still I blamed you. देख लीजिए कि आपके पार्टनर ने पता होने के बाद भी कि उनकी गलती है आपको ही ब्लेम किया, बट अभी वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया है। लियोज मेल है, फीमेल है, आपका रिलेशनशिप चल रहा है, ट्रबल्स चल रही है रिलेशनशिप को लेकर, तो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि सॉरी भी बोल रहे हैं, मेसअप उन्होंने किया है, उनको पता है कि हाँ मेरी गलती थी और इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। सॉल्व करने की कोशिश करिए, बात करने की कोशिश करिए, अगर आपका दिल इस बात को अलाउ करता है। यू वॉन्ट टू गिव स्पेस टू दिस पर्सन इन योर लाइफ, देन ओनली गो अहेड। अदरवाइज टेकिंग अ बर्डन इन अ रिलेशनशिप इटसेल्फ इज अ वेरी बिग बर्डन फॉर यू। इसको अगर आप लेके चलेंगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओवरऑल आपका फोकस लव रिलेशनशिप का मिक्स इमोशंस, मिक्स एनर्जीज को दर्शा रहा है। कार्ड्स अच्छे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। वाओ, एक और कार्ड आपके लिए आता है जिसे मैं बोलती हूँ अपना मैजिकल एंजल कार्ड, और यहाँ पर कार्ड कह रहा है लॉर्ड गणेशा, इन्फिनाइट अबंडेंस फॉर यू लियोज, ऑब्स्टेकल्स आर बींग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड,
व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके बन रहे हैं, भगवान जी आपके साथ में है, भगवान जी की पूजा करने की ज़रूरत है आपको। लियोस, आपको कुछ नहीं करना है, एक रेमेडी दे रही हूँ छोटी सी, फटाफट से आपको करनी है ये कि लॉर्ड गणेशा के मंदिर जाके उनको लड्डुओं का भोग हर बुधवार को लगाने से आपके कार्य जो है बन सकते हैं, या उनको दूर्वा की माला चढ़ाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हर चीज़ के लिए। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रेडिक्शन पसंद आई हो। पसंद आती हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी प्रेडिक्शन कैसी लगी। मुझे डिटेल में बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। जय माँ काली।